समूह बिल्कुल आप सब साथियों रो बहुत बहुत धन्यवाद देनु चाहूँ कि बहुत ही कम समय में आप सब पधार रहा। जब आप सब ने उठा है, मैं हिंदी में बोलूँ तो ज़्यादा ठीक नहीं। जैसा कि आप सबको पता है, आज छात्र संघ के चुनाव थे और जिसकी तैयारियां काफी समय से चल रही थी। विश्वविद्यालय के अंदर 2019 में जब छात्र संघ के चुनाव हुआ, तब कॉमर्स फैकल्टी जिसके चुनाव जिसका पोलिंग बूथ ओल्ड कैंपस में हुआ करता था, कुछ दिन पहले आनन फानन में उसको डीएमएस में शिफ्ट किया गया। मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथी मेरे भाई अरविंद सिंह जी को हमें कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा हुआ कि ये पोलिंग में किसी भी तरीके की ऐसी हरकत कर सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने चेताया कि आप ऐसी हरकतें ना करें, कहीं ना कहीं वोट गुमराह हो रहे हैं, वोटर्स जितने भी हैं वो गुमराह हो रहे हैं। और नहीं माने तो हमने धरना दिया। धरने के दौरान, धरना प्रदर्शन के दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया, भाई अरविंद सिंह जी को पाबंद किया गया, छात्र संघ चुनाव को कम ही समय रह गया था, तो हमने सोचा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस हद तक नहीं गिरेगा, प्रदेश की सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग इस तरह से नहीं करेगी। सही तरीके से चल रही थी, मुझे भी लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस प्रशासन जांचना चाहा, समझना चाहा। जब मैंने पता किया वहां पर, तो मैं आपको बताऊं, वहां पे सारे जो पोलिंग ऑफिसर बनाए हुए थे उनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो विश्वविद्यालय के चुनाव के अंदर पूरी तरीके से बैठ नहीं सकते। और आर्ट्स फैकल्टी वगैरह वहां पे जो ये डिजिटलाइज की बात कर रहे हैं कि हम इस चीज को बार कोड को वेरीफाई करेंगे, पर वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पे जो भी चुनाव हुए, जो भी पोलिंग हुई, जो भी वोटिंग हुई, उसको मैनुअल किया गया। साथ ही साथ में कई सारे ऐसे छात्र नेता थे जो वर्तमान में सत्ता में जो सरकार है उनका जो छात्र संगठन है NSUI, उनके छात्र नेता बेझिझक कैंपस के अंदर घुस रहे थे साथ में मोबाइल लेके, और आम छात्रों से कहीं ना कहीं बदतमीजी कर रहे थे, उन पे दबाव बना रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन को मैंने इस चीज को लेके चेताया कि कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, आप इसको लेके कोई कार्रवाई करें। पर मैंने देखा कि उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कई सारे ऐसे छोटे बच्चे थे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे थे, वो विश्वविद्यालय के एडमिट कार्ड आइडेंटिटी कार्ड लेके वहां पे वोट देने आए। कई सारे विद्यार्थी पकड़े भी गए, भाई ABVP के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने विरोध भी किया, भाई अरविंद सिंह जी भाटी ने भी विरोध किया, पर विरोध करने के बाद में भी उनको कुछ भी नहीं कहा गया, सीधा छोड़ दिया गया। लग चुके थे, जैसा कि कोई 10 बजे गया और उसने स्कैन किया और उसका वोट जब उन्होंने कहा कि आपका लग चुका है, तो उनका टेंडर वोट भी नहीं करवाया गया। साथ ही साथ में कई सारे विद्यार्थियों के जो आइडेंटिटी कार्ड थे वो फाड़े गए। जो बूथ नंबर 6 था, जहां पे साइंस में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, वो पूरे तरीके से मैनुअल था। वहां पे सिर्फ दिखावे के लिए कंप्यूटर और स्कैनर लगाए हुए थे। जिनका विरोध सभी विद्यार्थियों ने, सभी छात्र नेताओं ने किया, उसके बाद में भी उनको कैंपस से बाहर नहीं निकाला गया। आपकी सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि तमाम पूरी विश्वविद्यालय के अंदर जो पोलिंग हुई है उसका 10% फर्जी पोलिंग हुई। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं 1000 से ज्यादा फर्जी वोट विश्वविद्यालय के आज के चुनाव में पड़े। ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ओल्ड कैंपस है, जैसे MDS है, इनमें जो बच्चे जहां पे कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि एक तरफा पोलिंग हो रही है, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने बार बार बच्चों को परेशान किया, आइडेंटिटी के साथ में आधार कार्ड कभी चालान मांगा, वोटिंग परसेंटेज। आप एक चीज और मैं साथ में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि
11 बजे और 12 बजे के बीच में वोटिंग परसेंटेज एकदम से 2 से 3 गुना बढ़ गया। ये हम सबके लिए एक सोचने का विषय था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद में जब आगे की बात अपन देखते हैं, छात्र संघ का चुनाव 1 बजे तक खत्म हो जाता है। 1 बजे के बाद में आप देखिए कि 2.5 से 3 घंटे तक वो चुनाव चलता है। ये अचानक से एकदम से कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी कि कैसे भी करके सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस प्रशासन की मदद लेके विश्वविद्यालय के अंदर जो बैठे नॉन टीचिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो भी लोग हैं उन सब की मदद लेके हम ज्यादा से ज्यादा फर्जी मतदान करें, ताकि एक कमजोर उम्मीदवार कहीं ना कहीं चुन के आए। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आप सभी को, जो डीएमएस जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पुराने एचओडी है शिषपाल जी भादू, मैं आप सबके माध्यम से उनको पूछना चाहूंगा कि आप उस कैंपस के अंदर उस प्रमेसिस के अंदर बैठे थे और सभी का यही कहना है कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं एनएसयूआई को सपोर्ट करने के लिए, एक कमजोर उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए, फर्जी वोट दिलवाने के लिए ये वहां पर बैठे थे। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे जो चीफ प्रॉक्टर है KR पटेल, उन पे भी कई बार ऐसे लांछन पहले भी लग चुके हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो कल जो मतगणना है उसके अंदर भी ये सब मिल बैठ कर बड़ा कोई ना कोई फर्जीवाड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो तमाम छात्र थे उनको गुमराह करने का इन सभी ने काम किया है। चुनाव बढ़िया तरीके से भाई अरविंद सिंह भाटी बड़ी बहुमत के साथ में जीत रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने के लिए इन्होंने बड़े स्तर पर फर्जी वोटिंग की है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई सारे विद्यार्थियों के इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड लिए हैं और पूरे तरीके से एक कमजोर कैंडिडेट को जिताने के लिए जो इनको प्रयास करना था इन्होंने किया है। इसको लेके मैंने पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को और जो जिला प्रशासन है उनको चेताया था कि ये फर्जी पोलिंग होगी। उसके बाद में आज जब फर्जी पोलिंग शुरू हुई तो मैंने 10 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखित एक लेटर के माध्यम से मैंने प्रशासन को कहा कि आप फर्जी वोटिंग जो हो रही है उसको कैसे भी करके रोकिए, पर फिर भी उस चीज को नजरअंदाज किया गया। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से जो ये फर्जी वोटर आ रहे थे उनको सह देने का काम कर रहा था। इससे पहले भी मैं अगर आपको छात्र संघ चुनाव से अगर पहले की घटनाओं को याद दिलाऊं, उन पे अगर प्रकाश डालूं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्र संघ के कार्यालय थे वो भी कहीं ना कहीं बंद करवाए गए, सिर्फ एक उम्मीदवार को छोड़कर। उसके अलावा जो विद्यार्थी परिषद के जो कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन भी खारिज करवाने का भरपूर प्रयास किया गया, पर कहीं ना कहीं वो खारिज हो नहीं पाया। उसके अलावा जो भी छात्र जिनकी गाड़ियां थी जो अलग अलग किसी संगठन से जुड़े थे उनकी सीज करवाई गई। मैं पूरे तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारे यहां से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार वैभव गहलोत जी जो इसमें पूरी तरीके से लिप्त हैं, जिन्होंने इस चुनाव को छात्र संघ के चुनाव को अपने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पे लिया और 4 लोगों के कहने पर उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की प्रतिष्ठा। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से, आप इस स्तर पर आकर सत्ता का दुरुपयोग ना करें। ये विद्यार्थियों का चुनाव है, विद्यार्थियों को अपने स्तर पर विधायकों की मीटिंग लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर छात्र संघ के चुनाव के अंदर इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हमें बिल्कुल भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। आपके साथ में 36 कौम का लाड प्रेम था। हम सब युवा सोचते थे समझते थे कि ये हमारे आने वाले समय में जोधपुर का नेतृत्व करेंगे, पर हमें बड़ी निराशा के साथ में कहना पड़ रहा है कि आपका ये व्यवहार कहीं ना कहीं भेदभाव के साथ में और पक्षपात दिखा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कृत्यों में लिप्त ना रहें। और साथ ही साथ में मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो स्ट्रांग रूम बनाया है उसका हम सब जो मेरे भाई अरविंद सिंह जी और मैं वहां जाके हम उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमें पूरा अंदेशा है कि वोटिंग की जो काउंटिंग होगी, वोट काउंटिंग होगी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे ये फर्जीवाड़ा करेंगे।
हम आज रात 2 से 3 जने वहां पर बैठेंगे, पूरी रात निगरानी करें रखेंगे, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन पर और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कतई भरोसा नहीं है। ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आप सोचिए कि बाहर से बुलाकर इन्होंने इतने सारे हजार तक वोट को गिरने दे दिया, ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये देखिए, सबसे पहले तो आज के छात्र संघ चुनाव में मैं समयवार जो घटनाक्रम रहा उसके बारे में आप सबको अवगत कराता हूँ। सुबह 8:15 के करीब मैं नया जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर में प्रवेश लेता हूँ। उस दौरान वहां पर मैं स्पष्ट रूप से नाम लूंगा, मुझे रामचंद्र जी जलवाणिया और चेतन राम जी ग्वाला, ये वहां पर जहां पर आर्ट्स के वोट पड़ रहे थे वहां पर एंट्रेंस के अंदर खड़े थे दोनों। एजेंट जो होते हैं वो रूम में बैठ सकते हैं, उन दोनों के अधिकार किसने दिया कि शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक वो वहां खड़े रहे, पुलिस प्रशासन सामने खड़ा। मैं उनको 10 बार कह चुका था, मैंने कहा आप इन्हें बाहर तो भेजिए, पर उनके जूं तक नहीं रेंग रही थी। चलो उसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे करके उनको साइड में किया, वो घटनाक्रम चला। फिर क्या हुआ कि मैं दूसरे बूथ में वापस 6 नंबर बूथ में गया तो वहां पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी वहां पर बूथ पर बैठे थे। आप एजेंट जो होता है वो घूम सकता है, अगर वो वोटर होते तो वोट देके जा सकते थे, उनको ही घूमने का अधिकार, आपके खुद के कायदे होते हैं, कर्तव्य होते हैं। पर जो छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें आपकी भूमिका सिर्फ छात्र की होती है, आप अध्यक्ष नहीं रहते हो। उस दौरान मैंने वहां पर अच्छे ऑफिसर को, 3 तारे लगे थे यहाँ पर, उन साहब को कहा, मैंने कहा साहब इन्हें बाहर निकालिए, तो उनको बाहर निकाला जाता है वहां से बड़े इज्जत के साथ, ताजपोशी करके कि साहब बाहर पधारो। मैंने कहा साहब क्या कर रहे हो आप, पुलिस जो साहब थे उनको कहा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, मैं कैंडिडेट हूं, हम लोगों की चेकिंग होती, फोन बाहर रखवा दिए, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं हम लोगों, और ये फोन अंदर लेकर आए और चला रहे हैं फोन। तो बोले कि नहीं नहीं हम इनको बाहर भेजते हैं। मैंने कहा आप ऐसा करिए ना, अपनी गाड़ी मंगवाइए, आराम से बिठा के भिजवाइए, आप भेज पा नहीं रहे हैं। उसके बावजूद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो भाई 1 घंटा तक वहीं खड़ा रहा, किसी भी वर्दी के साहब की, वर्दी पहने साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको वहां से बाहर निकाल सके। फिर कुछ देर बाद जब मैं दूसरी फैकल्टीज जहां वोट पड़ रहे थे वहां पर गया तो वहां पर भी यही हालात थे कि आईडी कार्ड छपटे जा चुके थे किसी के। सुबह 8:30 से 10 बजे के दौरान मेरे पास कम से कम 25 ऐसे विद्यार्थी आए जो कह रहे थे कि मेरा आईडी कार्ड छीन लिया गया, बकायदा नाम पढ़ा गया, नाम के पीछे अगर सिंह दिखा था तो आईडी कार्ड गले में झपटा मार के छीन लिया जाता, किसी का आधार कार्ड छीन लिया जाता। इसके भी मैं आपको पुख्ता वो छात्र आपके सामने खड़े करवा दूंगा जिन लोगों के साथ ये घटना हुई। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो विजुअल्स प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें वोटर अंदर मोबाइल लेकर गया है, उसने वोट दिया है और खुद का चेहरा भी दिखाया है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन जहां से एंट्री दे रहा है वहां पर आप चेकिंग किसकी कर रहे हो, वो मोबाइल अंदर लेके गया कैसे, और ऐसे 2 अलग अलग वीडियो है। तो 2 वीडियो वो, तीसरा भाई सुनील चौधरी, ये तीसरा फोन ले जाने वाला, उसके अलावा 2 लोग वो जो स्टार्टिंग में बाहर खड़े थे। आप 5-6 लोगों को फोन ले जाने की परमिशन दे रहे हो वो तो ठीक है, 5-6 लोग मेरे संज्ञान में इसलिए मुझे पता चला। इसके अलावा जब पोलिंग 1 बजे बंद हो जानी चाहिए, बंद का आशय जो लोग प्रीमिसेस में परिसर में प्रवेश दे लेते हैं उनकी वोटिंग होती है, पर 3:30 बजे तक 2.5 घंटे और ऐसी कौन सी भीड़ थी। मैं खुद 6 नंबर बूथ पर 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठा रहा। उस दौरान 40 ऐसे विद्यार्थी आए जिनका वोट ऑलरेडी डाला जा चुका, वो आईडी कार्ड लेकर आए, और मैं मैडम से बात कर रहा था जो उस बूथ की हेड थी उनसे, मैंने कहा मैडम क्या, तो क्या इनका वापस टेंडर वोट। मैंने कहा क्या करोगे इसका, एक बार आपसे गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार होगी, ये 40 वोट तो अब आए, इससे पहले आपने न जाने किनको भेजा होगा, और मैं तो स्पष्ट कहता हूं टेंडर वोट का पता भी नहीं होगा लोगों को,
कि टेंडर वोट किया, चैलेंज वोट किया है वो। तो उसके बाद वहां पर एक सर थे जिनको पता था लिंग दो के नियमों के बारे में, उन्होंने अवगत करवाया कि आप टेंडर वोट डालिए। तो जब मैडम को इस बारे में 40, आप सोचिए कि 40 अगर किसी के वोट डाले जा चुके एक पर्टिकुलर बूथ में, तो वहां पर जो स्कैन करने वाले भाई साहब थे वो कर क्या रहे थे? आप चेहरा ही नहीं देख पा रहे हो 40 लोगों का। ये पूरा दिखाता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है आज के चुनाव, पूरा सिस्टम का फेलियर है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से साथ मिलकर के उन्होंने आज का यह चुनाव कराया है और पूरा का पूरा चुनाव फर्जीवाड़े पर। जितना मेरे संज्ञान में है, मैं हकीकत में कह रहा हूं, जो आंकड़ा बताया जा रहा है इसके आसपास में ही फर्जी मतदान हुआ है, केवल और केवल नया परिसर में, उसके अलावा केएन कॉलेज में ही हुआ है। लड़कियों के जो आ रही थी उनको प्रवेश देकर, जैसे उनको लगता था कि ये उनकी साइड के वोटर्स हैं, उनको आसानी से प्रवेश दे रहे थे। ओल्ड कैंपस में मैं जब मेरा वोट डालने गया, किसी आदमी के पास, किसी भाई के पास खुद का आईडी कार्ड था यूनिवर्सिटी का, वो आधार कार्ड नहीं लेकर आया था, उसको वहीं से गया वापस भेजो। वो तो मैं वहां खड़ा था, मैंने कहा किस आधार पर वापस भेज रहे हो आप, तो क्या आधार, तो क्या नहीं विश्व, मैंने कहा एक तरफ तो विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है चुनाव करवाना, आपकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन देना, व्यवस्था को बनाए रखने से बेदखल करना, तो आप इनको प्रवेश दें। प्रवेश देने के बाद उसका अगर बारकोड स्कैन हो, अगर उसकी शक्ल नहीं मिले या किसी भी प्रकार की और कोई त्रुटि पाई जाए, तब आप उसको बाहर कर सकते हो। आप होते कौन हो बाहर करने वाले। और उसके अलावा जो डीएमएस का अभी जो लफड़ा चल रहा था, कम से कम उस आधे घंटे के दरमियान 15 से 20 कॉमर्स के स्टूडेंट वहां आए जो कॉमर्स फैकल्टी अंदर समझते हुए वोट डाल रहे हैं। मतलब आप खुद मेंटली प्रिपेयर होकर आते हो कि कॉमर्स फैकल्टी ओल्ड कैंपस के अंदर है, आपको वोट वहां डाल रहा है, इतना चलकर आओ फिर पता चले कि वो सेनापति भवन के पास है और इधर से ट्रांसपोर्टेशन बंद है, आप गाड़ी या खुद की बाइक नहीं ले जा सकते, आदमी क्या करेगा। आप सारी फैकल्टीज का वोटिंग परसेंटेज देखिए, ऐसा ओल्ड कैंपस में क्या था जहां पर 50% पोलिंग ही रही, क्यों यहां पर कोई अंदर जंगली शेर छोड़ रखे थे जो लड़के आने से डर रहे थे या छात्राएं आने से डर रही थी। 50% से बिलो रहा, एक इवनिंग का 70% था, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूट बेस पर इलेक्शन होते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट लड़ते हैं, तो वो दोनों अपने एफर्ट्स लगाते हैं। 12 बजे के बाद ड्रास्टिकली एकदम परसेंटेज बढ़ जाता है वोटिंग परसेंटेज नए कैंपस में, न्यू कैंपस में। ये चीजें साफ दिखाती है, साइंस फैकल्टी का 70% पोलिंग और 6 नंबर बूथ की 3:30 बजे तक पोलिंग चली। मैं लास्ट में वहीं था जब तक बॉक्सेस बंद नहीं हुए तब तक। या तो इतनी स्लो वर्किंग क्यों, ऐसे बहुत से सवाल हैं, मैं पूछ तो लूंगा पर जवाब देगा कौन। और बच्चों के चुनाव में, छात्रों के चुनाव में अगर सरकार इस प्रकार से काम लेगी, तो किसी आदमी के पीछे अगर उसके हजारों समर्थक जुड़ेंगे वो तो निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। कि वही सरकार अपनी बात रखने के लिए किसी भी हद तक गिर रही है, अफसोस होता है। और ये सारी चीजें विचारनीय है। मैं यहां पर कोई किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं स्वतंत्र होकर अपनी बात रख रहा हूं। इसलिए आप सब से रिक्वेस्ट है, विनती है कि जो बात है सरकार तक पहुंचाई जाए कि आज किस प्रकार से विश्वविद्यालय